Hi everyone, welcome to my math challenge. So my dear friends, actually मैंने जी मेन्स पी वाई क्यू का एक सीरीज बना रहा हूँ कॉनिक सेक्शंस का ऊपर. इस पर कम से कम 100 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करेंगे. सो माई डियर फ्रेंड्स, दैट सीरीज इज जी मेन्स 2015 से 2022 में जितना क्वेश्चंस पूछा गया था वो सारे डिस्कस करेंगे. लेकिन आज का जो वीडियो है इस पर 2015 में इलिप्स से जो क्वेश्चंस पूछा गया था, क्लियर ये क्वेश्चंस पूछा था इलिप्स में. द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्मड बाय द टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम टू द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 5 इक्वल टू 1, फोर ऑप्शंस इज देयर, ये डिस्कस करेंगे. सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान में रखना है जेई मेन एग्जाम में अच्छा स्कोर पाने के लिए जेई मेन पी वाई क्यू एज वेल एज जेई एडवांस का जो पी वाई क्यू है उसका ऊपर आपको कमेंट करना पड़ेगा. दैट मीन्स ये सारे पी वाई क्यू को अच्छा ढंग से समझ कर तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो. सो माई डियर फ्रेंड्स, आज मुश्किलें है, कल थोड़ा बेहतर होगा, लेकिन आप उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा. सो माय डियर फ्रेंड्स, चलो हमारा जो भविष्य है वो बेहतरीन बनने के लिए ये सारे पी वाई क्यू को अच्छा ढंग से प्रैक्टिस करते हैं. नाउ आज का जो क्वेश्चन है कॉनिक सेक्शंस इलिप्स से पूछा है, 2015 में क्वेश्चन पूछा है. द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टा. लेटेस्ट रेक्टा का मतलब है लेटेस्ट रेक्टम का जो प्लूरल फॉर्म है. टू द इलिप्स दिस इज, फोर ऑप्शंस इज देयर, ऐसा डायग्राम का बारे में आपको सोचना है. ये इलिप्स है, क्लियर, ए लेटेस्ट एल डैश लेटेस्ट रेक्टम, एल वन डैश लेटेस्ट रेक्टम, ऐसा टेंजेंट ड्रॉ किया. अभी हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये जो एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एंड डी, तो आपका एम क्या होगा ना. सो दिस इज ए बी, जो टेंजेंट का इक्वेशंस फाइंड करोगे, फिर इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे, क्लियर. इस पार्ट का जो एरिया है, क्लियर, इस पार्ट का एरिया फाइंड करके उसको फोर से मल्टीप्लाई जब कर दोगे सो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल मिल जाएगा. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एम है, देखो एल का कोऑर्डिनेट क्या होता है, ए बी स्क्वायर बाई ए. अभी ये जो इलिप्स का इक्वेशंस है यहीं पे ई का वैल्यू क्या होगा ना, ई इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. सो दिस इज 5 माइनस 9 माइनस 5, 4 बाई 9, सो दैट इज 2 बाई 3 है. एंड बी स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर मीन्स क्या, सो दैट इज 5, ए का मतलब क्या है, सो दैट इज 3 है. सो दिस इज एल का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो एल का कोऑर्डिनेट ए ई, सो दैट इज 2 एंड सो दिस इज 5 बाई 3 है. अभी टेंजेंट का इक्वेशंस क्या होगा, देखो सो दिस इज ए बी का इक्वेशंस क्या होगा, एक्स एक्स 1 बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर तो 9 है, एंड वाई वाई 1 बाई बी स्क्वायर, बी स्क्वायर तो 5 है. सो दिस ए एक्स 1 है, ए वाई 1 है. सो दैट इज, सो व्हाट विल गेट, सो दिस इज इक्वल टू, यू विल गेट एक्स 2x बाई 9, एंड सो दिस इज वाई 1 5 बाई 3, सो दिस इज वाई बाई 3 इक्वल टू 1 है. 5 तो कैंसिल हो गया. अभी सो दैट मीन्स देखो यहीं पे a का कोऑर्डिनेट क्या होगा, y जब 0 है a का कोऑर्डिनेट 9 बाई 2 0, एंड x जब 0 है y का वैल्यू क्या है, सो दिस इज 3 है. अभी एरिया ऑफ, सो दिस इज एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, सो दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ओ ए बी है. बस और आपको कुछ नहीं करना. हाफ बेस, ए लेंथ क्या हो गया देखो ना, 9 बाई 2 है, ठीक है, इंटू हाइट क्या होगा, सो दिस हाइट, सो दैट इज 3 है. सो दैट इज देखो 2 2 और 4 कैंसिल है, सो दिस इज इक्वल टू इज व्हाट ना, 27 है. सो माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर, सी ऑप्शंस इज द राइट चॉइस है. जेई मेन एग्जाम एज वेल एज जेई एडवांस एग्जाम में अच्छा स्कोर पाने के लिए जेई मेन पी वाई क्यू एज वेल एज जेई एडवांस का जो पी वाई क्यू है उसका ऊपर कमांड करना पड़ेगा. दैट मीन्स आपको क्या करना है, ये सारे पी वाई क्यू को अच्छे ढंग से समझ कर तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो. प्रैक्टिस टिल यू परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, रिमेंबर इट माई डियर फ्रेंड्स, क्लियर. अभी आपको ये भी ध्यान रखना है, आज मुश्किलें है,
कल थोड़ा बेहतर होगा, लेकिन आप उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। ऑल द वेरी बेस्ट।